रुजी आज क्या कर रहे हो? आज सुबह सुबह 4 बज गए हैं, 4 बजते मैं मेरी रसोई के अंदर आ गया हूँ और अपना अपना जो मैंने खा के जाना है वो आज मैं बताता हूँ क्या है। हर किसी के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि भाई शरीर गर्म नहीं होता, 5 मिनट में ठंडा हो जाता है वार्म अप करने के बाद, तो शरीर 3 घंटे तक कैसे गर्म रखना है, वर्जिश के लिए वो क्या करना है। सबसे पहले हमें 4 चीजों की आवश्यकता है, वो 4 चीजें दिखाई दे कैमरे मैन जी। सबसे पहले ये हमने भस्म ले ली और ये अपने देसी घी ले लिया। अब आधा चम्मच भस्म का इस देसी घी में पेस्ट बना लेंगे अपा, इसको पहले चाट लेंगे। उसके बाद अपने क्या करना है, दो लौंग मोमदस्ते में डाल के कूट के इस अपने इसके अंदर डाला हुआ है। देखें जी किस प्रकार से ये हमारे शिलाजीत का और लौंग का कैसा रंग आ गया। तो ये हमने डाल के अपना काटा तैयार कर रहे हैं अपा। अब अपने जो शिलाजीत डाला था हमने उसके मटर के दाने के बराबर 2 टुकड़े डाले थे इसके अंदर। 2 टुकड़े इसलिए डाले गए, नहीं तो एक ही टुकड़ा कहता हूं मैं, एक टुकड़ा खा लो पूरे दिन में बहुत है। 2 टुकड़े इसलिए कि एक टुकड़ा तो अपने को 1 घंटा बढ़िया वर्जिश करा देगा। फिर उसके बाद हमने 1 कप पी लिया था, 1 कप हमने रख लिया मिल्टन की बोतल में जिससे वो गर्म रहे। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर आधा कप पी लेगा, आधा कप फिर पी लेगा बंदा, तो टोटल आपके 3 घंटे वर्कआउट हो जाएंगे और जितनी मर्जी पूरा वार्म अप रहेगी, बॉडी थकेगी भी नहीं। तो मैं दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये 4 चीज तो मैंने आपको दिखा दी, 5वीं चीज और मैं खाता हूँ, वो भी मैं हर घंटे के अंतराल में खाता हूँ, तो उसके बारे में आपने बताना है। अगर किसी भाई ने ये बता दिया कि मैं 5वीं चीज क्या खाता हूँ तो मैं आपको डायमंड का शिलाजीत भेजूंगा। जैसे एक बाहुबली फिल्म ने सस्पेंस छोड़ा था कि बाहुबली को किसने मारा, ऐसे ही मैं सस्पेंस छोड़ रहा हूँ आज कि बताओ मैं 5वीं चीज क्या खाता हूँ।